राजवंश के शाही परिवार ने खुद का नियंत्रण खो दिया और सभी जमींदार और जागीरदार दुनिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने के इरादे से बाहर आए। की के ड्यूग जुआन ने उसके राज्यकाल में जू ने की पर आक्रमण करने की बड़ी फौज भेजी, जो बड़े तूफान का कारण बनी। राजकुमारी, मैं मर रहा हूँ। बकवास मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रही है। मैं मर रहा। इबेंग, इबेंग, इबेंग। राजकुमारी, कितने लोग मारे गए? आधे से ज्यादा लोग मारे गए। हमारी सेना खत्म हो रही है, हमें कुछ करना होगा। राजकुमारी, हुआ शान को देख लो। राजकुमारी, सम्राट का संदेश आया है, आप उनसे मिल ले। उन्हें कहिए मुझसे आकर मिले। पर ये कानून के खिलाफ है। क्या लोगों की जान से ये ज्यादा जरूरी है? नहीं। राजकुमारी, तीर इसके मुंह के अंदर घुस गया है। मुझे डर है कि इसकी जान खतरे में है। मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। इस महीने की 15 तारीख को मेरी बेटी का जन्मदिन है। अगर मैं लौट नहीं पाया तो ये उसे देने में मेरी मदद कीजिए राजकुमारी। मैं इतना चाहती हूँ कि तुम ही न्यू को दो। मैं भी चाहता हूँ। बोलना बंद करो, रुको हुआ शैन, मैं तीर निकालती हूँ। ये शाही आदेश है। शुन हुआ, उसके कंधे दबाओ। ये रहा शाही आदेश। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत। हुआशैन, बेटी कितने साल की है? 5 साल की। वो हमेशा पिता की आंख का तारा होती है। तुम खुश नसीब हो हुआ शैन। खून रोकने के लिए पट्टी लगाओ जी। बोलो। सम्राट का ये फरमान है, राजकुमारी जिंग ली दुश्मन से डर गई। उसने क्यूई को राज्यपालों के सामने शर्मिंदा किया, इसलिए मैंने जियांग ली को क्यूई की ताकत और प्रतिष्ठा दिखाने दूसरे शहर युद्ध के लिए चुना है। युद्ध के लिए दूसरे शहर? ये असंभव है। ज्यू डोंगी में बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्यू लियांग जो आर्मी जनरल है वो युद्ध का भगवान माना जाता है। हमारी क्योशी आर्मी महान दीवार पर निर्भर है। सबसे अच्छी योजना दुश्मनों से बचने की है। क्या मेरे भाई ने 8,000 सैनिकों को ऐसे ही मरने देने का इरादा किया था? महारानी, आपने जो कहा है वो आदेश के विरुद्ध है। मैंने सिर्फ सम्राट का आदेश आप तक पहुंचाया है, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे जाने दीजिए। राजकुमारी, हमें क्या करना चाहिए? सम्राट जू हमारे किश्के आर्मी को शहीद करने के कगार पर थे।
राजकुमार जी बोलिए। राजकुमारी ली को बाहर जाने का आदेश दिया है। सम्राट का कोई रिश्तेदार नहीं, बड़े भाई ने कभी हमें भाई बहन नहीं कहा। मैं नहीं जानती कि ये सब राजकुमारी कैसे संभालेगी। मेरी बहन आसानी से हार नहीं मानती, वो मेरे बड़े भाई को हरा देगी। क्या सब स्पष्ट है? जी हाँ। क्या तुम्हारा फैसला हो गया है? अगर हमने ये किया तो परिणाम भुगतने होंगे। वो सम्राट का प्रश्न है। या! या! हा! जनरल खाना तैयार है। जनरल क्यों? सब जानते हैं आप जुमे युद्ध के देवता हैं। आप बहुत उज्जवल, बहादुर और प्रभावशाली हैं। ऐसा स्वभाव सिर्फ आपको ही जचेगा। तो आप ही हैं जियांग ही, वो राजकुमारी? हाँ मैं ही हूँ। लगता है क्यों में अब कोई भी नहीं बचा जो एक औरत को देश संभालने के लिए भेज दिया है। सैनिक कहाँ से आते? हमारी राजकुमारी किसी कारण से युद्ध पुकारने आई है, समझ गए आप? तुम यहाँ अकेले आई हो, तुम्हारा साहस देखकर अच्छा लगा। तो तुम्हारी योजना क्या है? नियमों को पालना। ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरे साथ चलो। जो कहना है कहो। तुम्हारी योजना क्या है? मुझे बताओ तुम्हारी राय क्या है। राजकुमारी सुरक्षा तोड़ने के लिए तैयार है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कल तुम 300 रथ और 3000 सैनिक भेज सकती हो। हम 200 रथ और 2000 सैनिक भेजेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसा कर पाओगी? जनरल पूरे देश में प्रसिद्ध है, मैं ज्यादा रथ और मैं सैनिकों के द्वारा भी जीत नहीं पाऊंगी, तो मैं सैनिक कम कर लेती हूँ। मैं 50 रथ कम कर लेता हूँ, क्या कहती हो? ये ठीक है ना? या फिर अकेला आऊं मैं? तुम अकेले ही? तो आओ फिर। अकेले आऊं? हाँ। तुम यहाँ युद्ध की घोषणा करने आई हो या फिर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो? चलता हूँ मैं। रुक जाइए। बोलो क्या बोलना है। सैनिक भेज दीजिए जनरल। पकड़ो इन्हें। Huh!
बच्चे को मुझे पकड़ने के लिए भेजा था। शर्म की बात है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। सज्जन युद्ध ऐसा नहीं करते। हाँ ये सच है। हाँ मैं एक औरत हूं और मैं थोड़ी भी सज्जन नहीं। तुम्हें क्या चाहिए आखिर? जैसे मैंने कहा, मैं चाहती हूँ अपने सैनिक पीछे लो जनरल। मेरी जान खतरे में है। अपने देश को बचाने के लिए, अपने सैनिकों को बचाने के लिए मैं मरना पसंद करूंगा, समझी तुम? तुम बहुत बेहुदा हो। तुमने हजारों लोगों की जान ली है, खुद को सच्चा मानते हो। हाँ मैं देखूंगी तुम सच में सच्चे हो या नहीं। शुन हुआ। हाँ जनरल, अब देखो तुम्हारे आदमी खाना खा रहे हैं जबकि मेरे आदमी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये इशारा युद्ध की तैयारी करने की सूचना दे रहा है। जब दूसरा इशारा बाहर आएगा, हमारा सैन्य तुम पे आक्रमण करेगा। उस वक्त तुम्हारा सैन्य प्रमुख के बगैर होगा। तुम ये लड़ाई हार जाओगे। युद्ध के समय तुम नहीं लड़ सकती। राजकुमारी ने सम्राट के नियमों का उल्लंघन किया है। क्या तुम मजाक बनने से डरती नहीं हो? नहीं डरती। सैन्य वापस ले लो वरना आक्रमण करूंगी। एक बात सुन लो, युद्ध में मरना ही सैनिक की किस्मत है। तुम्हारे एक निर्णय पर हजारों लोगों की जाने निर्भर है। हाँ ठीक है जनरल, तो अब तुम अपने सैनिकों को आखिरी बार देख लो। अरे मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है ठीक है। साथियों, नेताओं ने युद्ध की घोषणा कर दी। हम लोग शांति से खाना खा रहे हैं। इस बात पर चलो जाम टकराए। हाँ हाँ लो उठाओ। हाँ क्या बात है भैया? हाँ हाँ खा लो खा लो, तुम खा लो। अरे थोड़ा इधर भी दो। हाँ 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 ठीक है। अरे अच्छा युद्ध अच्छा लड़ रहे हैं आप। मेरी बात, जनरल आ गए हैं। जनरल आ गए। जनरल आइए, जनरल आ गए, जनरल आ गए, जनरल आइए, जनरल जनरल आइए, जल्दी आइए, जनरल आप भी आइए, जनरल आइए, जनरल आइए, खाना खाइए, जनरल जल्दी करो। हाँ जनरल खाना बना, जनरल चलो। हाँ जनरल आइए खाइए। शुन हुआ? हाँ रुक जाओ। मैं सेना वापस लेता हूं। जनरल सैनिकों की जान को प्रतिष्ठा से ऊपर मानता है। मैं प्रशंसक हूं। तो क्या अब मैं जा सकता हूं? नहीं। तो तुम हमारा अपहरण करोगी? तुम्हारा नहीं पर इसका। तुम जाकर संदेश दे सकते हो। जब तुम्हारी सेना पीछे पड़ेगी मैं उसे छोड़ दूंगी। उसे ले जाओ। जनरल सेवा के लिए धन्यवाद। जनरल चलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैनिक तो भाग रहे हैं, अगर ये चालाक होते तो आक्रमण नहीं करते। सैनिकों पर नजर रखो, अगर उन्होंने आक्रमण किया तो उन्हें मार दो। हटो हटो, पीछे हटो, रास्ता दो, निकलने दो मुझे। महाराज
महाराज, क्यों ने हमें पीछे छोड़ दिया है? हमें आक्रमण करना होगा। सही कहा, सही कहा। चलो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या हम ऐसे ही क्यों को जीतने दे देंगे? जनरल, इस मामले में आप क्या कहेंगे? भाग्य और दुर्भाग्य एक के बाद एक आता है। ये भाग्य दुर्भाग्य की बात करने का वक्त नहीं है। सही कहा, सही कहा। सब्र करो सभी लोग। जनरल की दुश्मनों के हाथों पकड़े गए हैं और अब हम सब आक्रमण करने का जोखिम नहीं उठा सकते। समझ गए ना तुम? तो हम सिर्फ बैठे रहें और कुछ ना करें? सभी सैनिकों, जी महाराज। हमारा सैन्य 20 मील दूर जाएगा और आदेश की प्रतीक्षा करेगा। मैंने हमारे की के हर बाइलिंग को खत भेजा है और मुझे लगता है कि हम जल्द ही निकलेंगे। हाँ। जू ने अपना सैन्य पीछे ले लिया। देखकर लग रहा है जनरल क्यू को बंदी बनाकर अच्छा किया। मुझे छोड़ने का क्या इरादा है, ये बताओ मुझे तुम। शांत हो जाओ जनरल, जब तुम्हारा सैन्य दूर जाएगा मैं खुद तुम्हें वहां जाकर छोड़ूंगी। जनरल को छोड़ दो। राजकुमारी, खोल दो। हमने जाल बिछाया है और हम सब सुरक्षित हैं। तुम भाग नहीं सकते। कितने खुश हैं, उन्होंने अपनी सेना को पीछे छोड़ दिया। सही है, खेल लो। अरे बहुत बढ़िया खेल रहे हो तुम लोग। राजकुमारी, बहुत बढ़िया। वशन, तुम ठीक हो? बहुत बढ़िया, चलते रहो। शुन हुआ, इसे 2 महीने की तनख्वाह दो और उसे अपनी बेटी से मिलने भेज दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दयालुपन के लिए धन्यवाद। तो ये वापस कब आएगा? तुम बस घर रहो न्यू न्यू के साथ और उसे बढ़ते हुए देखो। अरे संभल के। बहुत बढ़िया, धन्यवाद राजकुमारी, धन्यवाद। अरे वाह, उठो और घर जाओ। नालायक, बेशरम, नालायक कही गई। शांत हो जाइए महाराज। वो मेरी छोटी बहन है पर उसने सबके सामने नियमों का उल्लंघन किया है, वो भी की को नीचा दिखाने के लिए। मैं रॉयल कोर्ट को जवाब नहीं दे सकता और मैं सभी राज्यपालों को भी जवाब नहीं दे सकता। क्या होगा अगर सभी राज्यपालों ने इसे ही ध्यान में रखकर की पर आक्रमण किया? तो बताओ क्या कर सकते हैं हम? महाराज, शाही अदालत के नियमों के हिसाब से आसपास की रियासतों से हमारी संधि है, वो हम पर यूं ही आक्रमण नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया उन्होंने तो ये अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा। वो कैसे? महाराज, ये तो तय है कि प्रशासनिक दबाव में आकर जनरल की जिंग अपना समर्पण कर देगा और अब महाराज की ने किलियांग को युद्ध का सेनापति बना दिया है। अगर अब वो शिकायत करते हैं तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए अदालत के सामने। किलियांग कैसे खुद को हवाले करेगा? महाराज, किलियांग को हमें महल में बुलाना चाहिए, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए हमें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो हमारे सामने अपना आत्मसमर्पण कर दे।
उसके सामने कोई रास्ता नहीं, सिर्फ समर्पण ही उसे बचा सकता है। एक में निर्णय है, मेरा आदेश हर जगह फैला दो, जियांग ली को जनरल को ले जाने दो और उसके बाद मैं उसे सजा दूंगा। जनरल क्यू, मेरे पास आपको बताने के लिए खबर है। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सम्राट आपको बुला रहे हैं। मुझे उम्मीद इसी की थी। उसने सम्राट को ये कहा है कि तुमने क्यू के सामने हार मान ली है और मुख्यमंत्री का रूप ले लिया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुन हुआ, हाँ मेरा टोकन लो और जनरल क्यू को आज ही वापस भेज दो। क्या? पर यह आदेश है। हाँ ठीक है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे बुलाने पर आए हो, मैं तुम्हें शर्मिंदा होने नहीं दूंगी। लेकिन तुम महाराज को कैसे समझा पाओगी? वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी चिंता मत करो। रुक जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अब जब सबको ये लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है तो मेरे पास सफाई देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम सेना का नेतृत्व कर सकते हो, उसके बाद अफवाह ऐसे ही गायब हो जाएगी। मैं एक बार अपनी सेना को पीछे खींच चुका हूँ, समझी तुम? मैं एक और झूठा वादा सबसे नहीं कर सकता हूँ। अब महाराज ने मुझ पर एक कलंक लगाया है तो मेरे माथे से इस कलंक को उन्हें ही हटाना पड़ेगा। चिंता मत करो जनरल, मैं जब सच बताऊंगी हमारे सैनिक शहर को बचाएंगे। जू की सेना को हमला करने से रोक लो, जाओ और घोड़ों को तैयार करो। हाँ। शुन हुआ, तुम चलो मेरे साथ लिंजी के पास। एक कठपुतली ने विद्रोह किया है। ये बहुत देर नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात होगी। क्या कहा? ऐसा लगता है कि तुम उससे सहमत हो। उसके तरीके बहुत ही अच्छे हैं, पर मैं उन्हें और भी बेहतर बना सकता हूँ। वो कैसे? क्यूलिंग जू का एक बड़ा योद्धा है, वो खुद को हमारे हवाले कर दे ऐसा हो नहीं सकता। अगर उसे जिंदा रखा तो वो मुसीबत बनेगा। चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर अगर हमने उसे मार दिया तो हम पूरी दुनिया को क्या कहेंगे? मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, हमारे एक ही कदम से सारी मुसीबतें हल हो सकती हैं महाराज। कौन सी? महाराज आपके पास चार समस्याएं हैं, क्यूलिंग, राजकुमारी ली, राजकुमार या और जू। क्यूलिंग लिंजी पहुंचने से पहले जुडाऊ से गुजरेंगे, उसे वहां मारने के लिए हमारे 8 सबसे खतरनाक सिपाही होंगे। अगर वो जुडाऊ में मारा गया इसके लिए यही जिम्मेदार होगा। ऐसे में हम राजकुमार या को बड़े आराम से मार सकते हैं महाराज। अगर जू के लोगों को स्पष्टीकरण चाहिए तो हम राजकुमार या को हत्यारे के रूप में दिखा सकते हैं, इस तरह जू के लोग उसे छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। उस वक्त राजकुमारी ली ही हमारे लिए सबसे आसान समस्या होगी। अरे वाह।
राजकुमार, थोड़ी देर आराम कर लो, ये सब तो नौकर भी कर लेंगे ना। बागवानी खुद ही करनी पड़ती है, इससे मैं पौधों को महसूस करता हूँ। कैसा मजाक कर रहे हैं, पौधों को रूह थोड़ी होती है। सभी को रूह होती है, पौधों में सबसे अच्छी रूह होती है, ऐसी रूह सिर्फ मेरी बहन के पास है। राजकुमारी ली आज जोड़ों में आनी चाहिए, मैं उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ। हमने भी बहुत सालों से बात नहीं की, मुझे भी इंतजार है। मुझे लगता है तुम्हें शुनहुआ की बहुत याद आ रही है। मेरा मजाक मत उड़ाओ। जनरल क्यू, जुडो हमारे सामने है और जब हम जुडो से होकर जाएंगे हम लिंजी पहुंचेंगे। राजकुमारी तुमसे बात कर रही है, तुम कैसे इंसान हो? राजकुमारी तुम और सैनिक क्यों नहीं बुला लेती? अगर वो हमें मारना चाहे तो हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। उसकी जरूरत नहीं है, क्यों अच्छा इंसान है, मुझे उस पे भरोसा है। पर हमें बेफिक्र होकर नहीं चलेगा, हम भी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हम इसे पहाड़ों की ओर भेजते हैं। वो एक सच्चा आदमी है। तुम उससे प्यार करती हो है ना? चुप रहो तुम। जुड़ो में थोड़ा आराम करेंगे और तुम जाकर मेरे भाई को देख कर आओ। मैं बहुत ही विनम्र हूँ, राजकुमार से मैं कोई उम्मीद नहीं रखती। मेरा भाई दयालु है, वो तुम्हें तहे दिल से चाहता है। वो अभी भी बचपन से हमारी माँ के जाने के दुख में जी रहा है, उसने अभी तक प्यार का विचार नहीं किया है। चलो चलते हैं। चलो। ट्यान वुशांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमारी, सम्राट का आदेश है कि राजकुमारी को जल्द से जल्द वापस सैन्य में जाना चाहिए, जू के हमले को रोकने के लिए। मुझे टोकन दिखाओ। पर ये मुद्दा मुझसे मदद मांगने के लिए बहुत छोटा है। राजकुमारी, मैं बस आदेश मान रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, क्यू शुई सेना शहर की रक्षा कर रही है, बस मुझे जनरल क्यू को सुरक्षा का जिम्मेदार होने दो और मैं जनरल को खुद लेकर जाऊंगी। राजकुमारी, चीजें और मुश्किल ना करो। मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे तुम? सुना नहीं तुमने? टेन वुशांग, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हें कभी दया नहीं दिखाऊंगी। राजकुमारी, इस सौम्यता के लिए आपका धन्यवाद, मैं उनके साथ जाता हूँ, आप वापिस जा सकती हैं। जनरल, हम पे भरोसा करिए। तो यहां से जाओ। चलो 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 चलो। क्या करें अब? वापस चलो। चलो, चलते रहो। तुम लोगों को क्या चाहिए? मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूं। हुआ। हुआ।
बात है राजकुमारी? मेरे बड़े भाई को क्या चाहिए? 8 गोल्डन ईगल सैनिक क्रैक ट्रूप्स हैं, जो उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या वो क्यूलांग को मारना चाहता है? नहीं, शुनवा, उनके पीछे चलो। तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ से जाती हूँ। शुनवा, हमारे पास दो रास्ते हैं। मैं जनरल को बचाती हूँ, तुम जुड़ो जाओ छोटे भाई को ढूंढने और उसे सेना भेजने दो। ये बहुत खतरनाक है। आदेश है। सिर्फ सम्राट का आदेश पाल रहा हूं। पकड़ो उसे। पैर में दर्द हो रहा है ना? पर हम रुक नहीं सकते यहाँ। चुप हो जाओ तुम। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम वापस क्यों आई? अगर मैं यहां नहीं होती तुम मर चुके होते। रुको, तुम कहां जा रहे हो? लिंजी, ताकि मैं इस कलंक से आजाद हो सकूं। मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया राजकुमारी, लेकिन अब आप आजाद हैं जाने के लिए। मेरी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुनो, खराटे मत लो, कंधे पे कौन सोता है? मुझे उठाकर तुम थक गए हो। तुम्हें क्या लगता है? थक गए हो तो मत पूछो। तुम तेज चलोगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आखिर हम जा कहां रहे हैं? जुड़ाओ। आखिरकार हम पहुंच गए। कितनी सुंदर जगह है ना? तुम यहाँ पहली बार आई हो क्या? मेरा छोटा भाई यहाँ 4-5 सालों से है, मुझे कभी आने का मौका नहीं मिला और मैं अपने भाई से मिलने में और इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें लेके और तेज नहीं चल सकता मैं। जो भी हो, मैं चल सकती हूँ। मुझे नीचे उतारो। उतारो। फिर इतना समय क्यों बर्बाद किया?
मैंने काफी इंतजार किया। टेन वशांग, तुम हो तो टेन वशांग। मुझे आपका दुश्मन नहीं बनना राजकुमारी, तो आप हट जाइए, उसे हमारे हवाले कर दो। रोकना बंद करो, अब बस हुआ। मैं तुम्हें जनरल को हाथ लगाने नहीं दूंगी। तो क्या आप सम्राट के खिलाफ जाना चाहती हैं, इस दुश्मन जनरल के लिए? हाँ तो क्या हुआ? तो फिर मैं आप पे भी दया नहीं करूंगा। मेरे पास ही रहना, संभल के मारो। रुको, भाई। बहन यान उशांग, पहचाना मुझे? राजकुमार। पहचान लिया, मैं जुड़ाऊ में 5 साल रहा तब मेरे पास ना सेना थी ना ही ताकत। मैं अब भी जुड़ाऊ को बड़ा राजकुमार हूं। तुम मेरे लोगों को मेरी इजाजत के बिना नहीं पकड़ सकते, समझ रहे हो क्या? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। कितना दिखावा करते हो आप। दिखावा? तुम्हारा आदेश क्या है? क्या तुम सबके सामने बता सकते हो? बोल दो। अगर तुमने बताने की हिम्मत की तो मैं आदेश मानूंगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बोलो। महाराज का आदेश है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। बकवास, लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हो, मुझे पूछने का हक है। चलो। बहन। भाई, लंबे हो गए हो। तुम मुझसे भी लंबी हो गई हो। जनरल क्यू, मैंने सुना मेरी बहन ने आपको खतरे में डाल दिया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं। भाई, शुनहुआ कहाँ है? शुनहुआ? वो तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। यहाँ नहीं आई? सच में? मैंने तुम्हारे पास मदद के लिए भेजा था, क्या वो अब खतरे में है? उसे क्या खतरा हो सकता है? हो सकता है वो मुझे ना देखना चाहती हो। खैर सुनो, जनरल को अपने कमरे में छोड़कर आओ। ठीक है, कृपया इस तरफ आइए। अंदर आइए। यहां सलाम करना असुविधाजनक है, कृपया मुझे माफ कर देना। तुम समझ रहे हो ना? तुम बाइलिन हो ना? क्यू के बारे में महाराज को पहले ही पता था। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि क्यू के झूठ को नजरअंदाज कर दो, पहले हमारा देश रहना चाहिए। तुम्हें चुपके से जाना होगा। तुम्हारे मालिकों की क्या योजना है? मैं नहीं जानती, मैं बस तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। जब मैं लिंजी जाऊंगी तब उसे ठीक करूंगी। वो आदेश का पालन कर रहा है। भाई, हमारा भाई कठोर और अनुचित हो रहा है और नुकसान कर रहा है। सभी सम्राट एक जैसे होते हैं। तुम्हें सम्राट होना चाहिए। ये सब उस विश्वासघाती मंत्री की गलती है। हमारे भाई को क्रोधित होने के लिए परेशान किया गया था और अपनी मां को मार डाला। अतीत के बारे में बात मत करो। मुझे पता है, तुम जा सकती हो। जनरल, तुम युद्ध के देवता हो, मैं तुम्हें कब से मिलना चाहती थी। आज रात
मुझे तुम्हारी सेवा करने की अनुमति दो। दोगे ना? नहीं शुक्रिया। जनरल, क्या आप मेरी इतनी सी बात मना करेंगे? ऐसी बात नहीं है, बस थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। तुम जरूर राजकुमारी के बारे में सोच रहे हो ना? बहन, तुम यहाँ कुछ दिन रह सकती हो युद्ध में जाने के बजाय? नहीं, हमारे भाई ने घोषणा की है कि क्यू लियांग ने क्यू के सामने हार मान ली और अब उसने उसे मारने सैनिक भेजे हैं। चिंता मत करो बहन, चाहे जो हो जाए, मैं क्यू का बड़ा राजकुमार हूँ, वो अब जुडोऊ में सुरक्षित हैं, बाकी देखते हैं। तुमने हर वक्त क्यू की रक्षा की है, मुझे आश्चर्य है तुम उसे पसंद करती हो। हाँ वैसे ही। चलो चलो। जनरल, कमरा तैयार करो। जी। इतनी सुबह उठाया? तुम्हारे हिसाब से ये इतनी सुबह है? मैं कल रात देर से सोई। मैंने सुना राजकुमार ने एक नाजुक और सुंदर नौकरानी की व्यवस्था की तुम्हारे लिए, मुझे लगा कि तुम देर से उठोगे। तुम चुप थे, मैं ये हाँ समझूं? यहाँ तक कि हीरो सुंदरियों के लिए गिर जाते हैं। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? क्या सुंदरता है, आश्चर्य है, या फिर तुम्हें थोड़े अलग शौक है ना? तुम्हें मर्द पसंद है? जनरल क्यू, आप रात को ठीक से सोए ना? कल रात को? हाँ, मदद के लिए आपका शुक्रिया। सच में मुझे लिनजिंग जाना है आज के आज ही। अभी तक नहीं, अगर तुमने ये जगह छोड़ी तो ट्विंग वोशंग तुम्हें फिर से परेशान करेंगे। हमने कल रात बात की, हम यहाँ 2 दिन और रुकेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। दुश्मन खेमे का सेनापति अगर यहाँ रुकता है तो इनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। जब से सम्राट ने घोषणा की है कि तुम देश के मुख्यमंत्री हो, तो मैं आपका ख्याल अच्छे से रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सही कहा, युद्ध 3 महीने से ज्यादा चल रहा था, शांति बनाए रखना मुश्किल था। तुम बस थोड़ी देर छुट्टी ले लो, हमें गाँव जाकर खेलना चाहिए, इस अच्छे वातावरण में अच्छा लगेगा। लोग मुझे पहचानते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहन, तुम एक काम करो, मेरे लिए जनरल को घुमाने के लिए ले जाओ। मुझे खुशी होगी। तुमने मुझे अपना टूर गाइड बनाया है या अपना नौकर समझ लिया है? दोनों, गाइड भी नौकर भी। मिठाई लीजिए, मिठाई। क्या चाहिए? ये और ये, मुझे सब दे दो। अच्छी बात है, सब मिलकर 12।
धन्यवाद। मुझे कुछ और चाहिए। एक गुड़िया। मिठाई ले लो, ताजी ताजी। और ऊपर। ये और ऊपर। और ऊपर। ये ले लो। और ऊपर जाओ। खाना तैयार है, आ जाओ। चलो चलो, खाना खाते हैं। चलो चलो। क्वेश्चन, राजकुमारी, जनरल की राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्वागत नहीं करोगी? स्वागत स्वागत है। हाँ, सुनो, ये हमारी राजकुमारी है। आओ आओ बैठो, नीचे झुको। ऐसा मत करो। आपका स्वागत है। हाँ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। आपका शुक्रिया। धन्यवाद राजकुमारी, आपने ये नहीं किया होता तो न्यू न्यू शायद अपने पिता को नहीं देख पाती। उठो, मैं यहाँ न्यू न्यू को देखने आई हूँ। तुम न्यू न्यू हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। वहां खड़े मत रहो, आओ और तोहफा दे दो। धन्यवाद राजकुमारी, धन्यवाद। धन्यवाद 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 कहो। क्या तुम छोटे बच्चे पर दया नहीं कर सकते? हंसने की कोशिश करो। भगवान कसम, तुम बहुत गंदे हंसते हो, रोने से भी बदतर। न्यू न्यू, तुम्हें ये भाई पसंद है? जी हाँ। सच कहूं तो वो हमेशा गंभीर दिखता है, जाहिर तौर पर वो भी नहीं। मैं नहीं मानती, अगर वो गंभीर है तो तुम उनके साथ क्यों हो? ये न्यूनियो की तरफ से तुम्हारे लिए। शुक्रिया न्यूनियो। पिताजी ने बताया था कि आप बहुत अच्छी है, अगर आप मदद नहीं करती तो मेरे पापा दुश्मनों के हाथों मारे जाते। तुमने वो सुना? दुश्मन, तुम हो दुश्मन। बहन, क्या मेरा भाई तुम्हारा पति है? ध्यान से देखो, क्या वो मेरा पति है? हाँ। तुम हंस सकते हो। मुझे लगा तुम उसके काबिल नहीं हो। ये वो खुशी होगी जिसके बारे में लोग हमेशा बोलते हैं। इनको देख के लग रहा है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। हाँ, न्यूनियो और उसकी माँ को हुआ शैन से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो सिर्फ ये दुआ करते हैं कि वो सही सलामत घर आए। सोचो, अगर हमने ये युद्ध चालू रखा क्यू और जू में, क्या पता कितने बच्चे उनके पिता का चेहरा देख नहीं पाएंगे कभी भी। सिपाही अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, अगर वो डर गया तो रक्षा नहीं कर पाएगा। मैं मेरे देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, हालांकि आक्रमण और लूट एक शर्म की बात है। हमारे क्योंकि लोग शांति से जी रहे हैं,
तुम जो के लोग क्यों हम पर आक्रमण करते हो? तुम हमारे घर में आए और हमारी जमीनें हथिया ली। हम तो ये सब कुछ बस नाई के लिए कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये एक तरह से आक्रमण का बहाना है। मुझे गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनका सैन्य दल जल्दी ही हम पे हमला करने वाला है। बकवास, वो मैसेज मुझे दिखाओ। हम उस खत को सिर्फ राजा को दिखा सकते हैं, तुम्हें नहीं दिखा सकता। तुमने वो देखा? नहीं। सैन्य के प्रमुख होने के नाते तुमने हम पर बिना कारण के हमला किया है। तुम्हारे सम्राट को लगता है तुम्हें ढलना नहीं चाहिए, इसलिए उसने एक कहानी बनाई जो लड़ने के लिए चाल बनी। मूर्ख। माँ, जो हुआ सो हुआ, कौन मेरी जरूरतों को समझेगा? जो मुझे नहीं जानता उनके लिए मैं पहेली हूं। मुझे तो ये जानना है कि मेरा मकसद क्या है। वो लोग आ गए हैं। तुम्हें लगता है मैं नीच हूं? तुम्हें वापस लाने के लिए मैंने मजबूर किया है। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझसे इतनी सारी लाशें नहीं देखी जाएगी जनरल। मुझे भी लाशें देखने का कोई शौक नहीं है। तो तुम सच में हम पे हमला करने वाली थी? तो आप भी सट्टेबाजी कर रहे थे? तो तुम सट्टेबाजी कर रही थी? एक जनरल जो अपने सैनिकों की जान को महत्व नहीं दे सकते, वो कभी भी देवता नहीं हो सकते। क्या मैं चालाक नहीं हूं? देखो, ये तुम्हारा कमरा है। समझ गया, ये मेरा कमरा है। अरे यार, आओ मैं तुमको तुम्हारे कमरे तक छोड़। हाँ, ये मेरा कमरा है। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम सो गई क्या? अरे यार, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मैं तुम्हारे कमरे में जाके सो जाता हूं। की इतनी हिम्मत, उसने मेरे घर में हमला किया।
वो इतने बेईमान होंगे, जहाँ तक मेरी बात है जुड़े हुए अब सुरक्षित नहीं रहा। अगर मुझे पूछो तो जुड़ाव अब सुरक्षित नहीं रहा। मैं किलियांग मौत से नहीं डरता हूँ। अगर महाराज मुझे मारना चाहते हैं तो उन्हें मुझे ढूंढने के लिए लिंजी आना पड़ेगा। भले ही आज मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मुझे कलंक हटाना है। मेरा भाई तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैंने कहा तुम लिंजी नहीं जा सकते। बहन सही बोल रही है। बहन तुमने सही कहा। जनरल ज्यू को सेना में आ जाना चाहिए था। लगता है अब आपको जाना होगा। हाँ जनरल क्यू, तुम्हें वापस जाना चाहिए। और तुम क्या करोगी? मैं भी चलूंगी। मेरे कारण तुम्हारे ऊपर दाग लगा तो मुझे तुम्हारा नाम हटाना होगा। चिंता मत करो, वो अभी भी मेरा भाई है। वो चोट नहीं पहुंचाएगा। सही कहा। अब बड़ी समस्या ये है कि जनरल क्यों यहां से सुरक्षित कैसे निकलेंगे? मेरे पास तरकीब है। क्या? गोल्डन ईगल सैनिकों का लक्ष्य जनरल क्यों है, इसलिए हम दूसरा रास्ता बनाएंगे। दूसरा रास्ता बनाएंगे? घर के सामने एक सवारी बुलाओ। राजकुमारी और जनरल सवारी से जाएंगे। अब जब हमारा घर निगरानी में है तब हमारी हालचाल पहले से ही पता होगी। सवारी पश्चिम दिशा में ही जाएगी। जब वो शहर में पहुंचेगी तो दूसरी सवारी पास ही होगी, ताकि जनरल क्यू दूसरी सवारी में जा सके और वो पूर्व दिशा के दरवाजे से निकल जाएंगे। जब गोल्डन ईगल सैनिक राजकुमारी की सवारी रोकेंगे तो वो देखेंगे कि क्यू उसमें है ही नहीं। वक्त हो गया है। क्या हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे? मुझे नहीं पता। अगर फिर युद्ध भूमि पर मिले तो मैं तुम्हारी तलवार फेंक दूंगी। ये तलवार अब तुम्हारी है, ख्याल रखना। ध्यान रखना। कमरा है। तब तो मुझे तुम्हारे कमरे में ही सोना पड़ेगा। रुक जाओ। चल। मरे हुए घोड़ों को मारना बंद करो। क्यू लियांग जा चुके हैं। त्यान वुशांग कहाँ है? उसे कहो आकर मिले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम विद्रोह करने की सोच रहे हो? चलो
महाराज, महाराज, जल्दी करो, जल्दी। महाराज, एक समस्या है। क्या हुआ? बेहतर होगा कि यह बात आपको यही बताएं, बताइए। महाराज, कल दोपहर के समय में सैनिकों की शराब में जहर मिलाई गई थी। तुम अच्छा तो तुम हो, वो तुम। आधे दिन के बाद जब मैं दोबारा वहां पर पहुंचा तो हमारे 8 सैनिकों को जान से मार दिया गया था। यह कौन है जो इतना साहसी है? महाराज, मैंने इनके बताए अनुसार उस अपराधी का एक चित्र बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं। महाराज, इस औरत को कहीं देखा हुआ लगता है। बेशक लगेगा, ये राजकुमारी ली की जर्नल है, शुन हुआ। अपमान, ये अपमान है। जियांग ली, जियांग ली, तुमने मेरी इच्छा के खिलाफ काम किया है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं? महाराज, राजकुमारी विद्रोही नहीं है। महाराज, कोई भी निर्णय लेने के पहले एक बार सच की जांच कर ले। महाराज, सच की जांच करूं? क्या उनको मेरी हवेली तक सैनिकों के लाने का इंतजार करूं? मंत्री जी, आक्रमण की तैयारी करो, पूर्व की ओर जाओ और उनकी सेना को चारों ओर से घेर लो। जाओ जी। महाराज, महाराज, सुन हुआ, इतने सालों के बाद हमारा वक्त आ गया है, चलो मेरे साथ। महाराज, शुनहुआ हार गई। लेकिन क्यों? क्यों ने आकर राजकुमारी को बचाया? राजकुमारी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो आपकी प्यारी बहन है ना? तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहता हूं? अगर उसे नहीं मारा तो हमें कभी नायक का ओहदा नहीं मिलेगा। मैं कब मेरी माँ की मौत का बदला लूंगा? इस तरह का मौका फिर नहीं आएगा, समझ गई तुम? राजकुमारी मुझे बहन मानती है और मैं तुम्हारे मन में इस वक्त अजीब ख्याल आ रहे हैं। जी नहीं, तुम्हें चोट लगी है? ठीक है। सुन हुआ, याद करो, पूरी दुनिया में मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा रहा हूं। जब मैं नायक बन जाऊंगा, हम क्यूशी आर्मी का नेतृत्व करेंगे और बदला लेंगे।
उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम्हें ये चाहिए ना? क्यों ना हम दुश्मनी भूलकर किसी शान जगह पर रहने लगे? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मुझे शांति कहीं नहीं मिलेगी। किसी एक को मरना होगा, मैं या लिव गुआंग। सुन हुआ, किसी को साथ लेकर ली के पीछे जाओ। नायक का ओहदा लेना याद रखना, जल्दी जाओ। तुम बदल गए हो, तुम वो नहीं रहे जिससे शुनहुआ प्यार करती थी। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ। मेरी बात सुनो, मैं राजकुमारी को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम कह रही हो कि तुम मेरे खिलाफ हो? मैं राजकुमारी को सब कुछ बताऊंगी, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगी। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। शांत हो जाओ, कुछ तो खा लो। बात मान लो मेरी। तुम वापस क्यों आ गए? तुमने मुझे क्यों बचाया? हाँ, मैंने वो तलवार देखी थी कल रात में। उस हमले का सपना देखा मैंने, तब मुझे समझ आया कि कल हमारे कमरे बदल गए थे। उन हमलावरों का निशाना तुम थी, मैं नहीं। मुझे क्यों मारना चाहेगा? ये परिवार मेरा कुछ नहीं लगता।
परिवार मेरा कुछ नहीं लगता। भाई मुझे क्यों मारना चाहेगा? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों? 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 क्यों बचाया? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। सिर्फ एक एहसान वापस करने के लिए? मुझे अभी भी तुम्हारी परवाह है, इसीलिए मैं वापस आया। उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी, वो तुम्हें ढूंढने गई थी। अचानक से उस पर 8 सैनिकों ने हमला कर दिया। शुनहुआ, चिंता मत कर, मैं टियान वुशांग को मार दूंगी, तुम चिंता मत करो। टियान वुशांग सिर्फ प्यादा है, हमारा भाई है जो ये आदेश दे रहा है। मैंने क्यूशी सेना को खत्म करने के लिए अपनी सेना भेजी है, लगता है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है? मैं उसे ढूंढ लूंगी और उससे जाकर पूछूंगी। बहना, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी क्यूशी सेना उसके लिए कुछ नहीं? वो ये बहुत पहले से चाहता था। अगर इसने मांगी होती तो मैंने पूरी आर्मी उसके हाथ में दे दी होती। मुझे मारना क्यों चाहता है? क्या ये परिवार हमारे लिए अब मायने नहीं रखता? तुम बहुत जिद्दी हो, एक शैतान नेक कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास एक ही तरीका है उसकी सेना से लड़ने का, राजा को मारकर खुद राजा बन जाओ। कभी नहीं। हमारे क्यों के लोगों को एक दूसरे से लड़ते मरते देखने से अच्छा मैं ही मरना पसंद करूंगी। अब मैं इसे कमांडर का सील देती हूं। रुक जाओ, राजकुमार, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों लियांग, क्या तुम अपनी असली पहचान भूल गए हो? हमारी योजना के अनुसार तुम्हें आईवी की सेना में होना चाहिए था। क्यूशी सेना नायक का ओहदा लेने के बाद तुम और मैं राजधानी पर कब्जा कर लेंगे। आखिर तुम हो कौन? राजकुमार महाराज का जासूस है, बाइलिंग। और तुम? मैं सिर्फ काम करती हूँ। तुमने उनकी योजना को तोड़ा है बार बार, तुम्हें क्या चाहिए? तुम नहीं चाहते कि क्यूलिंग का पूरी दुनिया पर अधिकार हो जाए? वो
पूरी दुनिया पर अधिकार, उसके लिए इतने लोगों की कुर्बानी। क्यूलिंग, आपसे ये बात सुनना बड़े ही दुख की बात है। युद्ध के देवता, मैं उत्सुक हूँ कैसे मेरी बहन एक औरत ने इतने कम समय में तुम्हें एक हत्यारे से एक संत में बदल डाला। मुझे उसकी तारीफ करने में हिचकिचाहट नहीं है। अब मैं बात समझ रहा हूँ। ये युद्ध का पूरा प्रपंच तुमने और महाराज ने मिलकर बनाया था। राजकुमारी सही थी, मैं ही बेवकूफ था। मैं तुम्हारे सामने कुर्बानी के लिए आ गया। किसी सेना का नेतृत्व नहीं करूंगा और कभी दुश्मनों का साथ नहीं दूंगा। मैं राजकुमारी को लेकर यहां से जा रहा हूं। चलिए राजकुमारी, चलिए। अब हमें क्या करना होगा राजकुमार? क्यूशी सेना को अभी तैयार करो। हाँ। संदेश आया है, राजकुमारी ली की सेना अब राजकुमार या के हाथों में चली गई है। लेकिन क्यों? पता नहीं, और जानकारी लाओ। हाँ। चलो। ऐसा लग रहा है जैसे मंत्री सुई ने कहा था, जियांग ली और राजकुमार या एक साथ छुपकर काम करते हैं और उसने सिंहासन के खिलाफ साजिश की है। मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें उस समय नहीं मारा। आदेश फैला दो, तेजी से आगे बढ़ो। जी, तेजी से आगे बढ़ो। हाँ। शासकों को मार दो। क्यूशी सेना मेरे पिता ने बनाई थी और राजकुमारी ली को कागजी तौर पर दी थी। राजकुमारी ने जब से सेना संभाली है, सेना को बाहरियों से लड़ना पड़ा है, अंदर के लोगों को बचाया गया है। उसने महान योगदान दिया। सम्राट क्यू बहुत ही छोटे विचारों के हैं कि उन्होंने क्यूशी सेना को हमेशा से ही बहुत परेशानियां दी हैं। कल रात शासकों के 8 सैनिकों ने राजकुमारी ली और शुन हुआ को मार दिया। राजकुमारी का बदला लो। इस बार क्यूशी सेना को खत्म करने के लिए एक और सेना आई है। राजकुमारी की तरफ से मैंने क्यूशी सेना को विद्रोह का आदेश दिया है। शासकों को मार डालो। जनरल क्यों? राजकुमारी तुम ठीक तो हो ना? हम कहाँ हैं? मेरा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई? तुम्हारे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने क्यों को धोखा दिया है? देश के कीड़ों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। राजकुमार यहाँ ने विद्रोह किया है, अब वो हमारा नया लक्ष्य है। क्यू शुई आर्मी को खत्म करो। क्यू शुई आर्मी को खत्म करो। राजकुमार या को मार डालो। राजकुमार या को मार डालो। न्याय लागू करो। शासकों 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 को मार डालो। ओह,
बहुत राज की सूचना है। सम्राट की के हाथों जनरल की मारे गए। जनरल किलियांग का बदला। जनरल किलियांग का बदला। जनरल किलियांग का बदला। जनरल किलियांग का बदला। वहाँ कोई है? वहाँ कोई है? तुम भी चिल्लाओ। वहाँ कोई है? वहाँ कोई है? वहाँ कोई है? हमें बाहर निकालो। एलवी के सैनिक शहर के दरवाजे तक आ गए हैं। राजकुमार, हम दोनों तरफ से घिर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उन्हें मिले तो दरवाजे खोल दो और उन्हें अंदर आने दो। लेकिन क्या? राजकुमार, खोलो। हाँ। जनरल किलियांग का बदला। जनरल किलियांग का बदला। जनरल किलियांग का बदला। जनरल किलियांग का बदला। मैं इस दिन का इंतजार काफी समय से कर रहा था। बाइलिंग, तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। तैयार हो जाओ। जी। अंदर जाओ। हाँ। चलो। महाशय, महाशय, आप हमें खोल सकते हैं ना? मास्टर, मैं भाई से मिलना चाहती हूँ। राजकुमार क्यू शुई आर्मी के साथ गए हैं महाराज कुई से लड़ाई करने के लिए। नहीं महाशय, कृपया करके हमें खोल दीजिए। मास्टर, हमें खोल दो। क्यू शुई आर्मी और सम्राट की आर्मी एक दूसरे को मारने वाले हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। मैं राजकुमारी जियांग ली हूँ, क्यू शुई आर्मी मेरी है, सिर्फ मैं उन्हें रोक सकती हूँ। हमारी बात तो सुनिए। हाँ? महाशय, खोलिए। मास्टर हमें। वापस आओ। कृपया करके हमें खोलिए ना। वापस आओ। आप लोग मेरे साथ आइए। आप लोग पीछे के दरवाजे से जल्दी निकल जाइए। मदद के लिए शुक्रिया। अगर ये युद्ध रोक दिया तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरा बड़ा बेटा क्यू शुई आर्मी में है और छोटा बेटा महाराज की। चाहे कोई भी जीते, मेरे परिवार का तो नुकसान ही है। युद्ध रोक दीजिए कुछ भी करके। चलो। जूके सैनिक, राजकुमार, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अगर शासक को निकाल दिया तो मेरा सिंहासन मुझे वापस मिल जाएगा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। बढ़िया, उसने महान दीवार हत्या ली है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि राजकुमार या विदेशी सैनिकों के साथ काम कर रहे हैं और सम्राट के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जियांग का चोर, जियांग का चोर, जियांग का चोर। हमला!
महाराज को बचाओ, महाराज को बचाओ, बचाओ। रुक क्यों गए? हमला करो। क्या कर रहे हो? हमला करो, हमला करो, हमला करो। पीछे मत हटो। हमला करो, हमला करो, हमला करो। भाई आपके रुकने का वक्त आ गया है। पीछे हटो। मैं क्यूशी सेना का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरा आदेश है, सम्राट को मार डालो, मार डालो, शासकों को मार डालो। हमला करो। जू के सैनिकों, हमला करो। चलो जाओ, हमला करो। मेरे सिपाहियों, हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो भी ऐसे स्वार्थी राजा पे। जनरल की सही कह रहे हैं। मुझे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। चल। राजकुमार। चल चल। जाओ, विद्रोहियों को मार डालो, जल्दी करो, जाओ, हमला करो तेजी से, विद्रोहियों को मार डालो। चुप रहो, चुप। भाई, 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 भाई। बहना, मैंने पूरी जिंदगी नफरत की है, मैं बहुत बुरा हूं ना। कभी नहीं, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। मैंने शुनहुआ को मार डाला, मैं उससे प्यार करता था, मैंने ये कैसे कर दिया? कभी कभी लगता है मैं जानवर हूं जो बहुत ही घटिया किस्म का है। तुम बहुत नादान हो, तुम बहुत नादान हो। बहना, मुझे शुनहुआ के बगल में दफनाना, मुझ पर उसका कर्ज है, वो मैं अगले जन्म में चुका दूंगा। छोटे भाई, छोटे भाई, 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 भाई। ये शोर राजकुमार या की वजह से है, शायद मृत्यु होने से गुना छुप गया, लेकिन हर चीज का एक परिणाम होता है और ये राजकुमारी ली जानती है। उन्होंने हालात बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है और लोगों को बचाया है कड़ी मुश्किलों से, और ये बात सब लोग जानते हैं। राजकुमारी ली, हाँ, मैं सम्राट और क्यूशुई के सैन्य को आदेश देता हूँ, तुम्हें जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी, महान दीवार की ढाल की तरह क्यूशुई देश की रक्षा करोगी हमेशा के लिए। क्यों, देश की रक्षा एक ही चीज कर सकती है, वो महान दीवार नहीं बल्कि लोगों के दिल हैं। अगर भाई ने लोगों को माना और लोगों के लिए और योजनाएं बनाई तो महान क्यों हमेशा आबाधित रहेगा। बिल्कुल सही। मैं विश्वास की सराहना करती हूँ, पर मैंने किसी और से वादा किया है कि शांति से आसान जिंदगी जीऊंगी। मुझे आशा है भाई मान लेंगे।
मैं हमेशा से यही चाहती थी। क्या तुमने पहले ही फैसला किया है? हाँ। तो मेरी तरफ से सहमति है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई, तुम्हें कभी भी दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कहाँ देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। शांति से जियो। मैं भी शांति से ही जीना चाहता हूं। लेकिन किसके साथ? ठहर जाओ। तो तुमने क्या सोचा? सोच लिया। तो क्या तुम मेरे लिए जू को छोड़ना चाहते हो? मेरे बिना जू की सेना कभी युद्ध नहीं करेगी, और इसके बिना जू के सैनिक अच्छा जीवन जी पाएंगे। चलो चलो, पहाड़ों और नदियों वाली जगह ढूंढते हैं जो फूलों और पक्षियों से घिरी हुई हो। अब आज के बाद मैं कोई जनरल नहीं हूँ, और ना ही तुम कोई राजकुमारी हो। तुम शिकार और खेत में काम करना, मैं खाना बनाऊंगी। हम मिलके 10 बच्चे पैदा करेंगे। 10 बच्चे? ज्यादा नहीं है ये? चलो 20 कर लेते हैं। हाँ।